हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11 के सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो लास्ट लेक्चर हमारा जो सर्कुलर मोशन के ऊपर था उसमें हमने एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बाई आर, या हमने इसको क्या बोला था, ओमेगा स्क्वायर आर। फिर हमने पढ़ा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर हमने पढ़ा था नेट एक्सेलरेशन, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने ये सब पढ़ा था। तो ये सब एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहले पढ़ेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा क्या चीज़ है सेंट्रिपेटल फोर्स। तो देखिए, आप अगर एक पत्थर को एक रस्सी के साथ पकड़ के अगर ऐसे घुमाते रहते हैं, एक पत्थर को, अगर एक पत्थर है, यह आपका रस्सी है, यह आपका रस्सी है, इसको पकड़ के आप लोग अगर घुमाते हैं तो ये एक सर्कुलर मोशन अचीव करेगा। तो ये एक सर्कुलर मोशन अचीव करेगा। तो ये जो पत्थर वेरियस टाइम में वेरियस पॉइंट में पत्थर जाएगा, वेरियस पॉइंट में, वेरियस जगह में ये पत्थर घूमता रहेगा। तो पत्थर जब घूमता रहेगा वेरियस जगह में, वेरियस पॉइंट में, तो देखिए क्या होता है इसका, जब अगर पत्थर मेरे हाथ से छूट गया, ये जो पत्थर है, ये जो क्या है, ये है जो पेबल है, पत्थर है, अगर मेरे हाथ से छूट जाए तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये है इसका लीनियर वेलोसिटी। यहाँ से छूटेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से छूटेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से छूटेगा तो यहाँ जाएगा। तो ये सब क्या है, वी इज द लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब ये तो इधर से जा रहा था, मतलब ये देखिए, ये तो जा रहा था, फिर नहीं घूम के तो ऐसे भी चल जा सकता था। इसको इनवर्ड पुश कौन कर रहा है, फिर इधर इसको इनवर्ड पुश कौन कर रहा है, फिर इसको इनवर्ड पुश कौन कर रहा है, इसको इनवर्ड पुश कौन कर रहा है, इसको इनवर्ड ऐसे पुश कौन करता रहा है, इसको इनवर्ड पुश कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, जो हमेशा इस तरफ एक्ट करेगा, जो हमेशा इस तरफ एक्ट करेगा। हमने लास्ट लेक्चर में बोला था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इनवर्ड। सो इसका जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे क्या है, व्हेन अ पार्टिकल एग्जिबिट्स सर्कुलर मोशन, द फोर्स दैट एक्ट्स इनवर्ड एंड हेल्प इन द मोशन टू बी हेल्प इन द मोशन टू बी सर्कुलर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब जो फोर्स हमेशा इनवर्ड काम करता रहेगा, जो फोर्स हमेशा इनवर्ड काम करेगा, जो खींचेगा अंदर के, सर्कुलर मोशन होने के लिए जो इनवर्ड खींचेगा उसको ही बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर एक पार्टिकल जिसका मास है m एग्जिबिट ए सर्कुलर मोशन विद सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ac, देन सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन होगा m इंटू ac। ये इसको हम लोग कर सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r या m वी स्क्वायर बाई आर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाया था, ये एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाया था, जो कि मेरे लेक्चर नंबर 2 में है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग को ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन देखना है तो आप लोग देख लीजिए। और हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर। और इसके बारे में और 2-3 चीज़ें हम लोग को जानना पड़ेगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ये क्या है, ये एक नो वर्क फोर्स है, ये क्या है, एक नो वर्क फोर्स, दिस इज ए नो वर्क फोर्स, क्योंकि
इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है एस इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो. सो देयरफॉर वर्क डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर वर्क डन हो जाएगा जीरो. क्वेश्चन आता है नेम ए नो वर्क फोर्स, उसका आंसर क्या है सेंट्रीपेटल फोर्स. तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा क्या होता है, ये अगर एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है जो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ इनवर्ड डायरेक्ट होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स. और ये लीनियर वेलोसिटी के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल में रहेगा. तो हमारा जो ये अगर सेंट्रीपेटल फोर्स है और ये हम लोग का लीनियर वेलोसिटी है तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, 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 ये हमेशा कितना रहेगा 90 डिग्री. ये सब क्या है, ये सब है लीनियर वेलोसिटी. ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो हमेशा लीनियर वेलोसिटी के साथ जो 90 डिग्री एंगल करके रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू लीनियर वेलोसिटी. समझ पर कॉन्सेप्ट को समझे, हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब कॉन्सेप्ट काम में आएगा. तो यही था सेंट्रीपेटल फोर्स. अभी हम इसका ही एक अल्टरनेट चीज़ पढ़ेंगे जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो देख लेते हैं व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देख लेते हैं क्या चीज़ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो देखिए क्या होता है. इसके पहले मैं थोड़ा एग्जांपल स्टडी करूंगा, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सोचिए मेरी गो राउंड, जो मेला में जाते हैं वहां पर आप लोग क्या देखते हैं, मेरी गो राउंड देखते हैं. तो मेरी गो राउंड में देखिए क्या होता है, मेरी गो राउंड हमेशा बैठे रहता है, हमेशा घूमता रहता है, मेरी गो राउंड घूमता रहता है. इसका कुछ वेरियस केसेस है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल मेरी गो राउंड थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे, पहले एक दूसरा एग्जांपल स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहला एग्जांपल ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन ग्राउंड सीज ए मेरी गो राउंड. ये क्या चीज़ है, देखिए एक मेरी गो राउंड घूम रहा है मेला में, मेला में जो झूला है झूल रहा है, मेला में मेरी गो राउंड घूम रहा है. तो यहाँ पर मेरी गो राउंड घूम रहा है जिसका रेडियस हमें पता है. तो यहाँ पर एक नीचे एक पर्सन खड़ा है, तो ये तो रेस्ट में है, ये पर्सन किस में है, रेस्ट में है. ये तो मेरी गो राउंड के साथ नहीं घूम रहा है, ये तो मेरी गो राउंड के साथ नहीं घूम रहा है. तो अगर पहले यहाँ पर एक मेरी गो राउंड में एक पर्सन इधर बैठा है पोजीशन ए में, फिर ये धीरे धीरे कहाँ पर आ गया, पोजीशन बी में आ गया. तो ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे तरह से जा रहा है, पहले पोजीशन ए में है, थोड़ी देर बाद पोजीशन बी में आ गया. तो देखिए पोजीशन बी में जब आया ये तो घूम रहा है, ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है. तो अगर ये यहाँ पर एक पेबल या एक स्टोन या कुछ भी फेंक दिया, इधर ये एक स्टोन फेंका, इधर से एक स्टोन फेंका, तो इसका स्टोन का मोशन होगा इस तरफ, स्टोन का मोशन होगा इस तरफ. ये पॉइंट अगर सी है, कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, वेलोसिटी बी के वी के साथ जा रहा है. तो अगर पॉइंट ए से इसका स्टोन फेंका तो इसका वेलोसिटी इस तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या लगेगा, वेलोसिटी कम होने की वजह से वो नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी नीचे आ जाएगा. तो ये पर्सन देखेगा कि ये स्टोन नीचे गिर जा रहा है, ये क्या करेगा, सीज स्टोन टू बी फॉलिंग लीनियरली. ये पर्सन यही चीज़ देखेगा, स्टोन टू बी फॉलिंग लीनियरली, यही देखेगा. तो ये एक केस, मतलब एक पोजीशन मेरी गो राउंड में घूम रहा है मेरी गो राउंड ऐसे, फिर इधर से अगर कोई स्टोन फेंका, पहले इस तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद घूम के जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा नीचे गिर जाएगा. ये चीज़ कौन देखेगा, ये बाहर एक पर्सन जो रेस्ट में है ये देखेगा. लेकिन 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 अगर अभी केस थोड़ा थोड़ा केस अगर चेंज हो गया, थोड़ा केस अगर चेंज हो गया कि क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा केस अगर चेंज हो गया, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट में नहीं है, ऑब्जर्वर अगर मेरी गो राउंड में ही बैठा है, ऑब्जर्वर
सिटिंग ऑन मेरी गो राउंड एंड मूविंग विथ इट मतलब ऑब्जर्वर जो है वो मेरी गो राउंड में बैठा है, मतलब पोजिशन ए में है, मेरी गो राउंड के साथ घूम रहा है। इधर मेरा पर्सन सिटिंग है, यहाँ पर मेरा पर्सन सिटिंग है, तो यहाँ से अगर स्टोन फेंक दिया जाए तब ये जब पॉइंट बी में आएगा इसको लगेगा, अच्छे से मैं ड्राइंग बनाता हूँ देखिए, ये जब फेंक दिया जाए तो ये ऐसे जाएगा, तो लेकिन इसको लगेगा जब ये पोजिशन बी में आएगा तो मेरा स्टोन ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, अलॉन्ग बी सी जा रहा है, नॉट ए सी। व्हेन द स्टोन इज फेल फ्रॉम पॉइंट ए, तो जब ऑब्जर्वर बी में आएगा तो उसको लगेगा स्टोन कौन सा लाइन में जा रहा है, बी सी लाइन में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसी चीज़ से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए क्या हुआ, जब नीचे एक पर्सन रेस्ट में था वो देख रहा स्टोन लीनियरली गिर रहा है, लेकिन जब एक पर्सन मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, वो जब पॉइंट बी में आया उसको लगेगा स्टोन स्ट्रेट लाइंस जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इधर से जा रहा है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब काम में आएगा, जब दोनों ही, जब पर्सन है और जब मोशन है, सेम वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब जो सर्कुलर मोशन का ट्रैक है उधर अगर सर्कुलर मोशन जितना वेलोसिटी के साथ हो रहा है, ऑब्जर्वर भी उतना वेलोसिटी के साथ ही मोशन करे, तभी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इन टू प्ले। मतलब सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है बोल के ऑब्जर्वर को रख ले स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। मतलब जब एक सर्कुलर मोशन में हमारा जो बाहर की तरफ जो फोर्स है जो, और ये क्या है, ये एक तुम्हारा क्या है, ये एक स्यूडो फोर्स है, ये एक स्यूडो फोर्स है, और इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं। मतलब इसका कोई रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत है, लेकिन इसका हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो सब भी करते हैं हम लोग, सब हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ये जो फोर्स है ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे समझे, बाहर की तरफ जो खींच रहा है। मतलब देखिए मैं इसका डेफिनेशन अभी लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। व्हेन, मैं फिर से समझाऊंगा और दो एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को, पहले समझ लीजिए। घूम रहा है जब दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स विथ सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द फोर्स, फोर्स या द स्यूडो फोर्स को कीजिए, द स्यूडो फोर्स दैट एक्ट्स, एक्ट्स कहाँ पर, एक्ट्स आउटवर्ड, एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, क्या रेडियली, रेडियस के अकॉर्डिंग आउटवर्ड, ऐसे ही आउटवर्ड नहीं, रेडियली आउटवर्ड, दैट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन है जो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन है, वही इसका एक्सप्रेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि है एम ओमेगा स्क्वायर बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब हमारा जो सर्कुलर मोशन होगा, अगर एक पर्सन बैठा रहेगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स है इसको हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की तरफ जो फोर्स है उसको हम लोग करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। तो दोनों दोनों को काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसलिए जब सर्कुलर मोशन होता है हमारा बॉडी अंदर की तरफ खींचा हुआ नहीं आ जाता। आप लोग का मन में क्वेश्चन आ ही सकता है, अगर सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता तो सर्कुलर मोशन तो धीरे 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 कमते 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 रेडियस में फॉल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ खींचता है, दोनों दोनों को काउंटर बैलेंस करता है, इसलिए जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो हमारा रेडियस सेम रहता है। रेडियस चेंज कराने के लिए हमें वेलोसिटी चेंज कराना पड़ता है, ऐसे नॉर्मली रेडियस सर्कुलर मोशन का चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये एक बहुत बहुत ही बड़ा एक साइंटिफिक एक फेनोमेना है, और ये हर चीज़ में होता है, जितना भी सर्कुलर मोशन है, जितना भी सर्कुलर मोशन में जो भी चीज़ चलता है, सब में सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ध्यान रखा जाता है।
जो दोनों दोनों को काउंटर बैलेंस करेगा, बोल के हमारे जो अर्थ सन, ये अगर सन है और चारों तरफ हमारे जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, और जो रिवॉल्व कर रहा है इसके भी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या है, दो फोर्स है। तो क्योंकि दोनों फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है इसलिए पूरा सर्कुलर, ये इलिप्टिकल मोशन है, पूरा सर्कुलर मोशन नहीं इलिप्टिकल मोशन है, लेकिन सेंस सेम ही चीज, मोशन का सेंस सेम ही चीज होता है। या हमारा जो अर्थ रोटेट करता है, अर्थ अपना एक्सिस में जो रोटेट करता है तभी उसके पास दोनों टाइप का मोशन की, जब रोटेट करता है तब आप लोग पढ़ा भी था ज्योग्राफी में कोरोलियस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उधर भी हम लोग बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, सब कुछ हम लोग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आई होप सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए। अभी हम लोग इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मैं वीडियो पॉज करके कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बोलूंगा वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। बोल दिया है सर्कुलर डिस्क रोटेट्स एट 60 rpm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। तो 60 rpm हमारा एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया है 60 rpm, और मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाने का टाइम आप लोगों को बोला था 1 rpm मींस 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज 2 पाई बाई 60 रेड पर सेकेंड, इसको हम लोग पाई बाई 30 रेड पर सेकेंड भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 30, सो 2 दैट इज 2 पाई रेड पर सेकेंड हो गया है। सो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया 2 पाई रेड पर सेकेंड। हमारा रेडियस कितना दिया है 18 ग्राम, मास बोल दिया है 18 ग्राम दैट इज 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के जी बोल दिया है। और कितना डिस्टेंस में प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब डिस्क से 8 सेंटीमीटर दूर में है। तो रेडियस भी हमें बोल दिया दैट इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला क्या है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओमेगा कितना है ओमेगा 2 पाई होल स्क्वायर इंटू आर कितना है आर हमारा दिया है एम था हमारा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये था हमारा एम, आर है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैंने ऑलरेडी करके रखा है रफ में, जो आएगा वो है 0.057 न्यूटन आएगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0.057 न्यूटन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देख पा रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख क्या क्वेश्चन दिया है, स्पीयर ऑफ मास 200 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ ए थ्रेड ऑफ लेंथ 130 सेंटीमीटर। तो एक रिजिड सपोर्ट है, वहां से एक स्पीयर को नीचे हैंग करके रखा गया है, स्ट्रिंग का लेंथ है 137 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल्स टू 130 सेंटीमीटर। तो उसके बाद इसको रोटेट किया गया है, उसके बाद इस स्पीयर को क्या किया जा रहा है रोटेट किया जा रहा है, और जब रोटेट कर रहेगा तब इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना बोल दिया है 50 सेंटीमीटर। तो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, डिटरमाइन द टाइम पीरियड एंड ऑफ रोटेशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें टाइम पीरियड पता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। जब ऐसे नॉर्मली हमारा मूव कर रहा है तो ये एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला, लेकिन ये किसके लिए था, ये था एक सिंपल पेंडुलम। तो इधर हमारा टाइम पीरियड कैसे हम लोग निकालेंगे, हम यहाँ पर टाइम पीरियड निकालने का दो टेक्निक है, एक है हम रेडियस, हमारा जो रेडियस करेंगे हम लोग टोटल रेडियस के लिए हम लोग कितना सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा, तो टोटल पाथ ट्रैवल कितना होगा 2 पाई आर, टोटल पाथ ट्रैवल कितना हो रहा 2 पाई आर, कितना टाइम में हो रहा है, हमें क्या चाहिए एंगुलर वेलोसिटी या हमारा लीनियर वेलोसिटी में चाहिए। तो हम लोग इधर पुट करने से भी हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मोशन हो रहा है। तो इधर हम लोग इस फॉर्मूला पुट कर, कहाँ पर सीखे थे फॉर्मूला, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो 2 पाई एल कितना है 130 सेंटीमीटर, सो 130 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.2 सेकंड, नियरली कुछ 2.2 सेकंड, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना आ जा रहा है 2.2 सेकंड, आप लोग कैलकुलेटर या खुद से करके भी देख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। तो हमारा टाइम पीरियड मिल गया, और हमें और एक रिलेशन क्या पता है, हमें पता है टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई टी कितना है 2.2 या पाई बाई 1.1
रेड पर सेकंड हमारा क्या मिल निकल जा रहा है ओमेगा, तो देयर फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम पता है हमें कितना 200 ग्राम, 210^-3, ओमेगा स्क्वायर कितना है पाई बाई 1.1 होल स्क्वायर, आर कितना है, आर हमारा दे दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, सो 50 10^-2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 50 × 200, सो 10 000 -3 -2 10^-5 × 3.14/1.1 होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, आंसर आएगा न्यूटन में। तो ऐसे हम लोग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोग को पता चला कैसे हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा जो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन फोर्स के एप्लीकेशन के ऊपर, नो स्किडिंग कंडीशन, इन सब के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।